तो कैसे हो आप लोग? मस्त। आपने भी खाए? किसने नहीं खाए? शायद बहुत सारे लोग भाई इसमें नेगेटिव कमेंट भी करेंगे। आप लोग क्यों बैठे हैं भाई स्कूटी पर? क्या मन रखा खाने में? जाने प्रभु, कभी इनकी बातें खत्म होगी। हेलो जी, आप सभी को सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। स्वागत है जी आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में देहरादून शहर से। तो आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों 12:30 बजे के आसपास हो रही है और आज का आपको मौसम का हालचाल सुना देते हैं। पहले कैसा है आज का मौसम? तो ये देखिए दोस्तों, आसमान में बिल्कुल साफ, नीट एंड क्लियर है। कहीं भी भाई बादल के तिनके दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई भी दे रहे होंगे तो इग्नोर कर दो भाई। बाकी भाई कड़क वाली धूप लगी हुई है, फर्स्ट क्लास वाली। और भाई दोस्तों ये मत कह देना आपके बच्चों से भाई काम क्यों करवा रहे। बच्चों का ये घर है, मंदिर है, सब कुछ है। तो बच्चे भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे, सब करेंगे मिलके। हेलो गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? अरे कुछ रिस्पांस तो करो, गूंगे हो क्या? है जिंदा है बस? क्यों भाई ऐसी क्यों आफत आ रही है? जिम जाना, सोच वाले आगे मार रहा है इसको। देखो जरा जिंदा है बस, वो तो मुझको भी देख रहा है जिंदा है। इसके जिम ट्रेनर्स की ले लिया अच्छा से आज का सजा। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं। हेलो, कैसे हो आप लोग? मस्त हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। कैसा लग रहा काम करते हुए इधर? अपने ही घर है ना, बढ़िया मजा आ रहा है ना? कोई जबरदस्ती तो नहीं करवा रहे ना? फर्स्ट क्लास ढंग से एंजॉय कर करके। ये देखो ये भी हंस रही है यहाँ पे। तो भाई दोस्तों ये तो हंसी मजाक वाली बात रही। अभी भाई यहाँ पे अपना अपना काम पे लगे हुए थक गए हैं वो बैठे हुए हैं, जो नए हैं वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल जलपान की व्यवस्था है। और सर हमारे यहाँ पे वरिष्ठ प्रवक्ता हैं फिजिक्स में ना सर, केमिस्ट्री में। बच्चों को सारे विद्यालयों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही काम करते रहें, विद्यालय का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थकान लग गई आप लोगों को हैं? बहुत ज्यादा थकान लग गई ने, हालत खराब हो गई। ऐसा भी क्या करा आप लोगों ने, अभी तक तो कुछ सफाई दिखाई नहीं दे रही। अच्छा बाहर से करके आए हो? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे को भाई देर में टाइम मिला वीडियो बनाने का, इस बीच इन्होंने बहुत कुछ कर लिया बोले। तो ये देखो सारे मुरझा रखे भाई आज तो, क्या हो गया है? पहले तो भाई आप हमारे विद्यालय की ग्रीनरी देखिए, सारे भाई दालचीनी वगैरह के हैं यहाँ पे। ये देखो इधर से लेके इधर तक पूरे चारों तरफ दालचीनी के पेड़ है। और ये कुस्सा लगा रखा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे किस चीज़ का पेड़ है किसी को पता है? जामुन का है शायद भाई, मुझे भी नहीं पता है किस चीज़ का है। ये राशि वाटिका है, और राशि वाटिका मैंने पिछली बार भी आपको दिखाई थी। तो राशि वाटिका में छोटे छोटे पेड़ हमने लगाए थे, वही सारे पेड़ हैं भाई यहाँ पे। पीपल का भी पेड़ है यहाँ पे, ये देखो पीपल के पेड़ के साथ साथ में यहाँ पे ये किस चीज़ का है? भूत भी रहता बल है, सबसे बड़ा भूत तो तू ही लग रहा है मेरे को। आंवले का पेड़ है, ये देखो गुड़हल का फूल है यहाँ पे लगा हुआ। चलो जी और आगे चलते हैं, और आगे दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है। आप करो भी लो कुछ, बथेरे बैठ गए भाई साहब। ये किस चीज का पेड़ है भाई ऐसा, इसमें कांटे ही कांटे हैं। आंवले का थोड़ी, आंवले के पेड़ में कांटे कहाँ होते, इसमें तो कांटे ही कांटे हैं। बच्चों के लिए अभी खाना भी बन रहा है, सारे बच्चों के लिए राजमा चावल बढ़िया करके। सुबह क्या खाया आपने? सुबह भी खाया कुछ, खीर खाई थी सुबह। तो देखो भाई बच्चों का पूरा ख्याल भी रखा जा रहा है। खीर किस किसने खाई सुबह? खीर पाइस। आपने भी खाई? इसने नहीं खाई शायद, ये सुस्त हो रखे, इसने कम खाए तभी तो काम नहीं कर रहा है। ये देखो किस किस साइकिल तोड़ दी, बहुत मजा आ रहा है। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, गार्डन तो हो ही गया। हाँ ये बात इसने सही बोली, शाबाश मेरा प्यारा भुला है। ये तो जल्दी से एक मिनट, हाँ फॉलोवर सब्सक्राइबर जो भी है ठीक बोल रहे हैं। चलो धन्यवाद। वही दोस्तों यहाँ पे देखिए फूलों की क्यारियों को साफ किया जा रहा है। साफ सफाई भी भाई दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है भाई विद्यालय में। दोस्तों ऐसा नहीं है कि साफ सफाई के लिए कोई अलग से एम्प्लॉय है, हम सब लोग स्टाफ के लोग बच्चों के साथ में मिलके साफ सफाई करते हैं। तो अपने घर को, अपने मंदिर को साफ करना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोग भाई इस पे नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, ये भी मेरे को पता है। जब जब मैंने वीडियो बनाई तब तब लोगों ने भाई नेगेटिव कमेंट करे हैं कि बच्चों से साफ सफाई करवाई जा रही है। ये सारे जितने भी बच्चे हैं ये NSS के स्वयंसेवी हैं, तो इसका मतलब ही यही है। यहाँ पे बच्चों को यही सिखाया जाता है कि साफ सफाई कैसे की जाती है, अपने विद्यालय को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने खलिहान को भाई कैसे हम साफ करें। तो ये बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं। नेगेटिव कमेंट भाई ना करें, अगर कोई करेगा भी तो मैं इग्नोर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें भाई तभी सुरक्षित रहती है फूल फुलवारी, जब भाई हम इसमें लगातार काम करते रहते हैं, साफ सफाई करते रहते हैं। तो ये भी भाई काफ़ी ज़्यादा जरूरी है।
लेता हूँ। हाँ ये देखो हरमनप्रीत, किसी को लड़ना है तो हरमन से बात करे। ये अपना बॉडीगार्ड है, इसलिए भाई कोई फैलना मत मेरे साथ। यहाँ पे दोस्तों अशोक का पेड़ है, काफी ज्यादा झुरमुट हो गए थे भाई इसमें, जिसकी वजह से हमारा ना ये गेट भाई साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब हमने इसको थोड़ा सा क्लीन कर दिया है। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं। अब ये देखो, हेलो, आप लोग क्यों बैठे हैं भाई स्कूटी पे? डस्टबिन फेंक रहे हैं। आ हाँ, मजे आ रहे तुम्हारे हैं। रेस्ट फरमा रहे तुम हैं। चलो चलो चलो, सामने से हमारे विद्यालय का नाम देखिए आप, प्रधानमंत्री जी के अंडर में है साहब हमारा विद्यालय। ये देखो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, बढ़िया से फूल वगैरह खिले हुए हैं इधर को, ये देखिए उधर तक। तो चलिए अभी आपको मिलते हैं थोड़ी देर में, जब बच्चे वे खाना वगैरह खा रहे होंगे तब आपको दिखाएंगे कि खाने में क्या क्या है बना हुआ। से ही स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है और स्वच्छता के साथ साथ में यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। तो चलिए जी हम भी भाई एक पौधा लगा देते हैं माँ के नाम पर। तो ये देखो सारे बच्चे भी पौधे लेके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। हेलो हेलो, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, बिल्कुल एक पेड़ माँ के नाम। और एक पेड़ माँ के नाम के तहत यहाँ पे सारे बच्चे भाई पेड़ पौधे लगा रहे हैं और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप सभी भाई एक पौधा जरूर लगाएं। तो अभी पूरे विद्यालय में पूरी जगह चयनित कर रखी है कहाँ पे ये पौधे लगेंगे, तो वहाँ वहाँ पे छात्र छात्राएं भी वहाँ पे पौधे लगा देंगे। चलिए जी बढ़िया से भाई सारे विद्यालय में साफ सफाई हो गई है, पेड़ पौधे भी लग गए हैं और अभी भाई दोस्तों बच्चों के लिए यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। तो भाई दोस्तों खाने पीने की जो भी यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है ये विद्यालय स्तर पे की जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पे कोई भी फंड प्रोवाइड नहीं किया गया है कि आप बोलने लगो भाई कि आप सरकारी पैसे को खा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भाई ये विद्यालय स्तर पे मैनेज किया गया है। एनएसएस के जो स्वयंसेवी हैं दोस्तों वो 100 कुछ के आसपास हैं, तो काफ़ी बड़ी संख्या है। तो बड़े पतीले में भाई यहाँ पे खाना बनाया है। क्या क्या बन रखा खाने में? राजमा चावल और रायता वगैरह भी है कुछ? रायता वगैरह नहीं इस बार, सलाद है। तो सलाद है भाई दोस्तों, पीने में पानी है नहीं तो क्या पिएगा? बच्चों को भूख लग गई, थाली वगैरह बजाने लग गए। ये जो खाना है दोस्तों ये स्वयं सेवियों ने बनाया है भाई अपने हाथों से। तो गुरुजी की सानिध्य में भाई यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है। बहुत बहुत बधाई सर आपको, हमेशा की तरह आप इस बार भी काफी अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। स्वच्छता का कार्यक्रम चल रहा है इस समय, राष्ट्रीय सेवा योजना स्थापना दिवस, इसकी स्थापना हुई राष्ट्रीय सेवा। इस दिन हम सब बच्चों ने मिलकर, क्योंकि हमारी इस बार की थीम थी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। टाइम हो गया बच्चों को, बिल्कुल लंच करेंगे, लंच करने के बाद हर साल की तरह ही दोस्तों इस बार भी प्रोग्राम हो रहा है विद्यालय में अच्छे से। दोस्तों दिन के अभी ठीक 1:30 बजे का टाइम हो गया है और एनएसएस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर विद्यालय में जो भी प्रोग्राम हो रहे थे वो अभी संपन्न हो गए हैं। तो बच्चों के साथ भाई हम भी निकलते हैं अपने रूम की तरफ। कहाँ है आप लोगों का गांव? दिन के समय दोस्तों आजकल बहुत ही तगड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। कहते हैं भाई दोस्तों कि भादों के महीने की जो धूप होती है वो मच्छरों के कान तक लग जाती है भाई। बस पहले जो होती थी ना गर्मी वो उमस टाइप की रहती थी, पसीने से तर बतर होते थे उस गर्मी में। लेकिन जो अक्टूबर सितंबर की जो गर्मी होती है उससे भाई जलते हैं आदमी सीधे, इतनी तगड़ी वाली हो रही है। सुबह शाम तो आजकल बढ़िया ठंडा हो रहा है और बच्चे भाई पैदल जा रहे थे तो दो बच्चे मैंने अपने साथ में बिठा लिए हैं, यही नज़दीक के हैं। गर्मी में बहुत तगड़ी हो रही थी। दोनों का घर ताशिला है, आराम से करना रोड क्रॉस भाई। दोनों बच्चे ताशिला के हैं, चले गए हैं साथ साथ में। तो बैलों की जोड़ी चल रही है आगे आगे, दुनिया भर की गपें तो भाई इन्होंने कॉलेज में मारी होगी साथ साथ में। अभी इनकी गपें अभी तक खत्म नहीं हुई, तो रास्ते में चलते चलते भी ये लगे हैं गपें मारने पे। वाह वाह कितनी प्यारी जोड़ी है दोनों की। अबे साले ना जाने प्रभु कब इनकी बातें खत्म होगी।
भाई साहब बस भी आ रही पर फिर भी भाई साइड नहीं हो रहे और रॉन्ग साइड से जा रहे, देख रहे सीधे रॉन्ग साइड से, मतलब गोल चक्कर से घूम के नहीं जा रहे वैसे तो सारे ही लोग जा रहे। ये देखो मार्क्स हम बीच क्या बोला मैं हैं, ऐसे भी नहीं होंगे भाई एक्सीडेंट तो क्या होंगे, एक बंदी के तो भाई हेलमेट भी नहीं पहन रखा। अभी देखो जब यहाँ के रास्ते अलग हुए तब जाके भाई इनकी गप्पें समाप्त हुई, हो गई गप्पें पूरी। अब आगे वाली ने भाई दोस्तों दौड़ा दी अपनी गाड़ी फटाफट, अब घर जाके सबसे पहले उसी को फ़ोन करेगी, यार वहाँ पे ना हमारी गप्पें पूरी नहीं हुई थी तो अब फ़ोन पर करते हैं। तो भाई दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ कि अपने भाई आइडिया के सिम को ना BSNL भाई मैं कन्वर्ट कर दूँ, यानी कि भाई पोर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे अंकल जी के पास में मैं आया हूँ। 200 रुपये में पोर्ट है 45 दिन के लिए, 2 GB डाटा पर डे कॉल। 200 रुपये का रिचार्ज करो और अपने सिम को भाई पोर्ट करो, किसी भी कंपनी का सिम हो अगर आपका तो पोर्ट कर सकते हैं। 45 दिन तक आपको भाई 2 GB डाटा पर डे मिलेगा और क्या मिलेगा, कॉल फ्री है, कॉल फ्री है, 4 SMS फ्री है पर डे। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे आ रखा हूँ तो देखते हैं भाई पोर्ट करने का, तो अंकल जी करी दो यार पोर्ट है। अच्छा चलिए दोस्तों एक बार फिर से भाई हम BSNL के कस्टमर बन गए हैं आइडिया से, उसका कारण आप सब हम सब जानते हैं कि भाई ना रिचार्ज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए और दो दो नंबरों पर रिचार्ज करना तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, तो BSNL का रिचार्ज थोड़ा सा सस्ता है और सुनने में आ रहा है कि भाई स्पीड भी अब बहुत अच्छी आने लग गई है देहरादून में खास तौर से। हाँ जी भाई साहब आप कौन सा यूज कर रहे हैं, एयरटेल यूज कर रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया बढ़िया चल रहा है एयरटेल फर्स्ट क्लास। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, पता कौन सा है चैनल, ये देखो यार।